हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो कचालू की चाट तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी कचालू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाई है? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कचालू और मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, जो खाने में बेहद डिलीशियस है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर दो कचालू ले लिए हैं, अच्छे से धो लिए हैं मैंने इन्हें, और अब मुझे सबसे पहले इनके छिलके को रिमूव करना है। तो इसके छिलके को रिमूव करने के लिए मैंने एक कटोरी में सरसों का तेल ले लिया है। आप सोच रहे होंगे सरसों का तेल मैंने क्यों लिया है, तो इसे मैं अपने हाथों पर इस तरह से अच्छे से लगा लूँगी। कई बार कचालू काटते हुए हाथों में खुजली होती है, तो इसलिए इस तरह से सरसों का ऑयल जो है वो अपने हाथों में बढ़िया से लगा लें और अब इसके छिलके को रिमूव कर लें। इस तरह का पीलर हर घर में होता है, या फिर आप नाइफ़ की मदद से भी इसके छिलके को रिमूव कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इसके छिलके को रिमूव कर रही हूँ और सारा छिलका मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अब मैं इसे पीसेज में कट कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ छिलका मैंने रिमूव किया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसे पीसेज में कट कर लिया है। तो इसे पीसेज में कट करके अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और हाथों को देखिए मैंने अच्छे से सरसों का ऑयल लगाया हुआ था। नेक्स्ट मैंने गैस पे ऑयल रख दिया है, तो इसमें मैं इसे कर लूँगी फ्राई। ऑयल को अच्छे से हमें गर्म कर लेना है और फिर कचालू को हमें इसमें फ्राई करना है। फ्राई करने से एक बढ़िया सी क्रंचीनेस आएगी और इससे कई बार गले में खुजली हो जाती है या कई बार ये गले में लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो इसे बढ़िया से यहाँ पर फ्राई कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस ज़रूर कर लें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, यहाँ पे मैं कचालू इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे हमें अच्छे से पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है एक गोल्डन कलर आने तक। कचालू आजकल मिल जाते हैं मार्केट में, सर्दियों का मौसम है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। यकीन मानिए, आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो कचालू हैं वो फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं एक गोल्डन कलर इस पर आ गया है। तो इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है और इससे कम भी इसे फ्राई नहीं करना है। और अब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे फ्राई करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब मन करे कचालू की सब्ज़ी खाने का, फटाफट इसे छौंक लगाएं और सर्व करें। तो फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे निकाल लिया है। देखिए, सारे कचालू मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, या चाहें तो इसे चाट की तरह भी आप खा सकते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कुकर गैस पर रख दिया है और उसमें मैं एक कड़छी ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सरसों के ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, सरसों के ऑयल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सरसों के ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा। तो एक चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा ऐड कर दिया है। जीरे को अच्छे से भुनने दें। देखिए, कोई भी सब्ज़ी बनाए तो उसमें जल्दबाजी ना करें, आराम से उसे बनाएं, तभी जो सब्ज़ी है वो बहुत टेस्टी बनेगी। और अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है एक हरी मिर्च, जो बीच में से मैंने कट की हुई है। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्च ना ऐड करें। और यहाँ मैंने चार मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। ये छोटे साइज़ के प्याज थे इसलिए मैंने चार लिए हैं, बड़े साइज़ के हों तो आप दो ले सकते हैं। और इन्हें मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। और प्याज को हमें अच्छे से भूनना है एक हल्का गोल्डन कलर आने तक। तो कोई भी सब्ज़ी है, जब तक मसाला अच्छे से नहीं भुना होगा उसमें टेस्ट नहीं आएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए, प्याज बढ़िया से भुन रहा है, कश्मीरी लाल मिर्च से एक बढ़िया सा कलर आएगा ग्रेवी में। और अब हम इसके साथ इसे भून लेंगे। तो देखिए, प्याज के साथ मैं यहाँ पर मिर्च को भी भून रही हूँ और अब आप देख सकते हैं जो प्याज है वो बढ़िया से भुन गया है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पे चार बड़े साइज़ के टमाटर थे वो मैंने इस तरह से चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब टमाटर प्याज को मैं यहाँ बढ़िया से भून लूँगी।
जितना ज़्यादा मसाला भुनेगा यकीन मानिए उतनी ही टेस्टी आपकी जो सब्ज़ी है वो बन करके आएगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काला नमक, तो काले नमक से एक बढ़िया सा टेस्ट आता है ग्रेवी में। इसी के साथ मैं नॉर्मल नमक जो हम घर पे खाते हैं वो ऐड कर रही हूँ। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखी है, तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है गरम मसाला 1 छोटी चम्मच। और अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मसालों को मैं इसी तरह से प्याज और टमाटर के साथ भून लूँगी। ऐसा करने से जो ग्रेवी का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे जैसे मसाले प्याज और टमाटर के साथ भूनते हैं। और अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 1 बॉल मटर, और मटर को भी मैं यहाँ मसाले के साथ बढ़िया से भून लूँगी। तो जितना ज़्यादा हम इस सब को भूनेंगे ना उतना ही टेस्टी जो है वो हमारी सब्ज़ी बनेगी। और देखिए मटर को मैंने यहाँ पे बढ़िया से भून लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कचालू जो हमने फ्राई किए थे। तो मैं यहाँ पे 2 कचालू के हिसाब से सारे मेजरमेंट्स आपको बता रही हूँ। तो इसे भी अब हम अच्छे से भून लेंगे। एक साथ इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले इसे थोड़ा सा भूनेंगे उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से भून लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तो पानी की क्वांटिटी मैं आपको एक सजेशन दूंगी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखें क्योंकि जैसे जैसे ये सब्ज़ी रचेगी रखी रहेगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी, तो थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा रखें। या अगर आपको गाढ़ा खाना पसंद हो, गाढ़ी ग्रेवी पसंद हो, तो पानी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखें। और देखिए अब मैं इसे ढक्कन लगाकर 4 सीटी लगा लूँगी, या जब तक ये गल नहीं जाते तब तक मैं इसे सीटी लगा लूँगी। वैसे 4 सीटी में ये बढ़िया से गल जाते हैं। और देखिए यहाँ मैंने कुकर को 4 सीटी लगा ली थी, इसका जो प्रेशर है वो भी निकल गया है। और अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो सब्ज़ी है वो लग रही है। आप मटर पनीर को भी भूल जाएंगे अगर इस सब्ज़ी को इस तरह से बनाएंगे और अपनी फैमिली को खिलाएंगे। खाने में बेहद टेस्टी, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। देखिए तो इसे आप पूरी परांठा रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बेहद टेस्टी लगती है, बनाना उतनी ही ज़्यादा आसान है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो आइए इसे सर्व करते हैं। देखिए मैंने इसे यहाँ पे सर्व कर दिया है, थोड़ा सा हरे धनिया से मैं इसे गार्निश कर दूंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलूंगी इसी तरह की बढ़िया और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।